नए मेहमान, जो पहली वाली एनर्जी होती है वो पहली होती है, अब ये मैं बता नहीं सकती। और नई सुबह के साथ नए मेहमान कौन है, बहुत ख़ास है मेरे शो के लिए, मेरे लिए, और बहुत दूर से आए हैं, कह सकते हैं दूर से आए हैं, लेकिन अपने कामों के लिए दूर से आए हैं, मेरे शो के लिए ख़ास दूर से नहीं आए, उनको बस इन्वाइट किया और वो आए। तो वेलकम करते हैं, सिंध के बहुत प्यारा नाम भी रह चुका है और वापस, गब्बर इज़ बैक, अमीन बलोच आज हमारे शो पे मौजूद है। अमीन बलोच जो है टिकटॉक ऐप पे वापस आ चुके हैं और उसके साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत ही शी, ये मैं इसका ही शी का जिक्र आपको इन शो के दौरान बताऊंगी, मैंने ही शी क्यों बोला ये, बस ये सस्पेंस दे दे के बता रही हूँ, तो आपने शो पूरा देखना है। ही शी मैंने इसको क्यों बोला, तो ऐसा कोई सीन नहीं है ही शी वाला, लेकिन ये क्यों बोला ये आपको बीच में पता चल जाएगा। हसनैन थेबो, अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अमीन? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। हसनैन तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हंस क्यों रहे हो? ये हर वक्त हंसता रहता है। अच्छा, इसका नाम आज मैं लाइव शो में रख रही हूँ गोलू मोलू, ठीक है, इसको हम गोलू मोलू बोलेंगे। मुझे लगता है बर्गर ज़्यादा खाते हो। अभी भी भूख लगी और हम शो के बाद बर्गर खाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? इंशाल्लाह। तो हम वेन्यू बता देते हैं, जिसको आना है अमीन से मिलना है वो वहाँ आके मिल सकते हैं, जिसको हमसे मिलना है हसनैन थेबो से भी मिलना है, मिल सकते हैं ना, क्यों नहीं मिल सकते। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लेकर आ रहे हैं इस टाइम आप लोग? अभी तो हम गुलिस्तान जौहर में थे, थोड़ा काम था। अच्छा, तो आपकी फोन आई दो सौ। वैसे कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से अपने कामों से आए थे या शो के लिए आए थे? यार कामों काम वगैरह थे, काम की वजह से हम आए थे, फिर अचानक से प्रोग्राम हो गया तो यहाँ पे आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अमीन बलोच टिकटॉक ऐप बीच में वाइंड अप कर दी थी, इसकी क्या रीजन थी? यार और वो बाबा की डेथ हो गई थी तो मसरूफियात बहुत हो गई थी, तो इसकी वजह से मैंने वो नहीं सोचा कि यार बनाऊं या क्या। अच्छा, तो अभी वापस आए हैं, कैसा लग रहा है? वही उसी तरह फैंस प्यार दे रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, बस ये फैंस का शुक्र है, अभी भी वही प्यार करते हैं। हाँ, बस ऐसे। अच्छा, तो लेवाइज जिक्र करूं? नहीं जो ठीक लगे, छोड़ो टॉपिक बंद करो, ये ऑफ स्क्रीन बातें अच्छी लगती हैं। वही हसनैन थे वो से पूछते हैं, हसनैन टिकटॉक क्या है? इस पर आप भी आए, आपने बोला तारा लारा भी है, अमीन भी है, मैं पीछे क्यों, मैं भी आगे जाऊँ? नहीं यार, असल में मैं तो टिकटॉक पे आया था, इसकी वजह से ही आया था, मतलब इसने बोला था कि टिकटॉक पे आना है, तो इसने छोड़ दिया तो फिर मुझे भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, आपकी टिकटॉक इसकी पता टिकटॉक कैसी होती है? आज ही मैं सुबह एक टिकटॉक देख रही थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी तो आप लोग सब हंसोगे। इसकी एक टिकटॉक थी, शी सेज अम्मी, मतलब रिश्ते के लिए बोला लड़की को, वो लड़की अम्मी नहीं मानेगी, और इसने आगे से क्या जवाब दिया वो तुम दो, मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगता। याद नहीं, मैं बताती हूँ, मुझे याद है, इसने कहा कि अम्मी नहीं मानेगी तो अम्मी को भी हम पटा लेंगे, ये इसका जवाब था। मैंने कहा अड़ी ये क्या सीन है, और इसकी जो वीडियोस होती हैं वो ऐसी होती है। कोई और डायलॉग याद है? सेड, तकरीबन ये सैड थी, सैड थी, मैं तो हंसी थी, मतलब गुस्सा था, गुस्से में आपने इसको बोला, गुस्सा सैड मिक्स। तो इसके अलावा कोई और डायलॉग याद है? नहीं यार, यार मेन चीज ये इसको आंटियां पसंद है बस। ऐसे नहीं बोलो यार, मेरा शो बैंड करा के जाओगे मुझे लग रहा है। हसनैन, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, गर्ल्स अच्छी लगती हैं? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, बॉयज अच्छे लगते हैं? दोस्त यार, नहीं। दोस्त यार, दोस्त वगैरह, तो मैंने भी यही पूछा। अब तुम्हारा माइंड कहीं और है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा भाई, अमीन से पूछते हैं, अमीन लाइफ में टिकटॉक के अलावा और क्या चल रहा है? यार बस बाबा की डेथ जो हो गई, तो उसके बाद घर की जिम्मेदारियाँ आ गई, अब पग भी मेरे ऊपर है, तो घर में मसरूफियात, गांव में, इसकी वजह से बस ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। तो अच्छा, बाबा की डेथ हुई है तो बहुत सैड की बात है डेफिनेटली, तो उसके बाद जिम्मेदारियाँ जो आई हैं, याद तो आती होगी, मिस तो करते होगे कि भाई अब पहले रुलते थे मैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अब वो तुम्हारा काफी कम हो चुका। हाँ, वो कहते हैं ना लाइफ जाहिर सी बातें चेंज हो जाती है, ऐसा ही है। हाँ, तो यही सीन है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तुम्हारे? यार फ्यूचर प्लान्स तो फिलहाल कुछ नहीं है, बस बिजनेस वगैरह है, तो उसी को आगे लेके चलना है, उसी को रन करना है। हसनैन थे वो गोलू मोलू, आपको क्या प्लान है? स्टडी चल रही है। अच्छा, आप भी पढ़ते हो या पढ़ाते हो? नहीं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? बीए कंप्लीट किया अभी, बस बाहर। बाहर कौन से मुल्क जाओगे? दुबई। दुबई, पाकिस्तान में क्यों नहीं आगे? कुछ नहीं है पाकिस्तान यार, इतना मतलब पाकिस्तान में रहके तुम ऐसे बोलोगे? मतलब यार बिजनेस के हिसाब से। अच्छा, बिजनेस के हिसाब से माइग्रेट, उधर ही होता है सिस्टम, तो उस वजह से। अच्छा, सबसे फेवरेट टिकटॉकर आपका कौन है? अमीन।
अमीन बोलो, अमीन आपका कौन है? हसनैन थे ब्रो। यार ऐसे क्या मतलब आपस में एक दूसरे को? यार सीधी बात है, जो मेरा दोस्त है ये मेरा भाई है, तो मुझे यही पसंद है हर चीज। अच्छा, और गर्ल्स में आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? अरिशे सुमरो। फिर भी बोल सकते हैं एटीट्यूड में, फिर भी बोल सकते हैं। अमीन आपका? अक्सा ही बदल दी अमीन ने, अक्सा किंजर। तो उसमें कौन सी वीडियोस जो अक्सा की आपको ज्यादा अच्छी लगती है? यार वो सिंधी बनाती है तभी मुझे अच्छी लगती है। एक दो नाम और भी थे यार, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मुझे व्हाट्सएप चैट में जाना पड़ेगा। हसनैन क्या अरिशे सुमरो की ऐसी क्या बात मतलब, है जिसको आप लाइक करते हो उसको? जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो काफी मतलब उसकी अभी अच्छी नहीं लगती थी स्टार्टिंग में, मतलब अभी इतना चलाना नहीं होता टिकटॉक तो तभी। अच्छा नहीं देखा उसके बाद। अच्छा सही, बचपन की कोई बात याद है ऐसी स्कूल लाइफ की? बोलो कौन कौन। बहुत किस्से हैं तो एक किस्सा कोई बताए। स्टार्टिंग किस्से करते हैं पहले। चलो अमीन वो सारी टोपी पहले तुम्हें देखेगा, तुम कौन सा किस्सा सुना रहे हो उस मुताबिक वो अपना किस्सा। यार ऐसा किस्सा कोई याद तो नहीं है। उसके तो पास बहुत पड़े हैं। उसके पास हो सकते हैं क्यों? चलो तुम बता दो। यार मेरे पास एक उनसे बहुत किस्से हैं, तो एक स्कूल लाइफ में कोई ऐसी बात की बात। हाँ बचपन की तो बात शेयर करते हैं। स्कूल में बंक मारना, दोस्तों के साथ घूमना, क्लास, ये किसने नहीं किया? हाँ तो बस यही। कोई खास बात हो ना जो तुमने की हो तुम्हें याद हो कि मैंने ही की है भाई, मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ। हमें शरीफ था स्कूल में, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था कम लोगों का होता है बस पढ़ाई पे फोकस था। टॉपर था, टॉपर थे, नीचे वाले टॉपर ऊपर वाले एक नीचे से भी टॉपर होते हैं ना। अच्छा तुम कौन से टॉपर थे, ऊपर वाले नीचे वाले? अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले। फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल वाले? फर्स्ट आते थे। यार ऐसे तो मुझे थोड़ी थोड़ी फिर शर्म आ रही है सुनकर के लड़के टॉपर हैं। अच्छा आप लोग अब मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, चांस देते हैं। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर बॉयज में गर्ल्स में? गर्ल्स में फाइज अली। बस यही है। हाँ तो कुछ पूछो ना, पूछ ना यार। ना यार छो यार, ये भी पूछे। सीनियर बैठे हैं आप इसलिए। चलो ये हो सकता है। टिकटॉक दे छो आए हो। मैंने बोला तुम लोग सब हो तो मैं पीछे क्यों हूँ? अच्छा अल्लाह अकबर। मैं जो है ना पहले अच्छा पर्सनली अगर मैं बात शेयर करूँ, जब मैं टिकटॉक ऐप पे नहीं थी तो वकास मेमन हो गया, तुम हो गए, इन दोनों की टिकटॉक्स बहुत देखती थी, आती थी, हसन फुल फोटो, तुम तीनों ना बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे थे शुरू में। अभी भी तुमने खुद अपने अकाउंट को जो है वो छोड़ा, लेकिन अभी जब बैक आयो तो उसी तरह तुम अगर कंटिन्यू करोगे बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अच्छी फॉलोअरशिप गेन कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये है कि टिकटॉक ऐप जो है टेम्पररी है, ये मैंने अमीन से सीखा है, ऐसा है कि नहीं? हाँ यार बिल्कुल, ये चीज़ें ना कुछ वक्त में अच्छी भी लगती हैं, कुछ वक्त में अच्छी नहीं भी लगती। लाइफ में इतनी चेंजिंग आती है कि अपने आप का टाइम नहीं होता, कामों में बंदा बिजी हो जाता है, तो ये बस फन है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अच्छा हसनैन भूख लगी है आपको? हाँ यार। तो खाने में क्या पसंद है आपको? पिज्जा। अभी बर्गर बने पड़े, पिज्जा खाने हैं। इसका वेट लूज कराओ यार। यार ये स्पाइसी बहुत खाता है, स्पेशली बिरयानी। यार बस वही है घर पे, मतलब खाना फिर सोना। तो मुझे लगता है अलनाज बिरयानी के में बिरयानी खानी चाहिए। इंशाल्लाह। पिज्जा और बर्गर को छोड़ो। सही है ओके हो गया। और अमीन तुम्हें क्या खाने में पसंद है? मुझे बिरयानी। बिरयानी तो बस देसी बंदे हैं बस ओके हो गया। और हमारे अकमल भाई हमारे कैमरामैन सीनियर, उनको भी बिरयानी पसंद है, वो दूर से यूं कर रहे हैं, तो भाई आपको भी खाने को मिलेगी, सब्र रखें। अभी मुझे तो खाने को मिले, पहले शो ख़त्म करूँगी उसके बाद खाऊंगी, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, बनी हुई है, तुम लोगों को भी खिलाऊंगी, टेंशन नहीं लो। अच्छा मुझे ये बताओ आइडियल कौन है जिसको फॉलो करते हो तुम? यार मैं अपने बाबा को ही फॉलो करता हूँ शुरू से। हाँ अच्छा उनकी क्या ऐसी ख़ास बात याद है जिसको तुम मतलब? यार वो एक होता है ना तकरीबन मैंने देखा है बाप से कुछ बंदे क्लोज होते हैं कुछ ऐसा नहीं ही होते है। हाँ। लेकिन जो मेरा वाले साहब थे ना, मैं उनके साथ एज अ बेस्ट फ्रेंड भी था, अटैच थे बहुत, एज अ भाई भी था, हम मतलब 24 आवर्स साथ ही होते थे। अच्छा। बिजनेस के मामले में, घूमना फिरना हर चीज में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इमरान खान। ऊपर से आ रहे हो इमरान खान। बस वही इमरान खान की क्या बात, कोई डायलॉग कोई?
यार उसका डायलॉग याद नहीं, लेकिन ये कि मतलब उसका अकेला लड़ना। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आप जो है इमरान खान आपका आइडियल है, आपको उसका एक डायलॉग नहीं याद? यार डायलॉग तो उसके सारे याद हैं तकरीबन, पर कैमरे के बाद याद आएंगे। अच्छा लगता है, आई मीन शो के बाद याद आएंगे, लेकिन हमें सुनने अभी है ना, मसला ये है। यार उसका एक जो फेमस है मैं उनको रुलाऊंगा, हाँ वो भी याद है मतलब। अच्छा कभी मुलाकात हुई है? यार गांव में तो आया था हमारे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह। मिलना ख्वाहिश रखते हो? हाँ। अगर कभी मिले तो क्या कहोगे? बस ऐसे ही तस्वीर वगैरह बस, और क्या बोलूँ उसको। उसको बोलते हैं तेरा तुम्हारे चाचे का बेटा। वो तो 2 मिनट के लिए मिलेगा और क्या। हाँ। लेकिन इंसान अपना मकाम ऐसा बनाए कि अगला खुद मिले, क्यों? ये अमीन नहीं मुझे एक दो बार कहे कहे थे बात। अच्छा भाई ये बहुत टैलेंटेड है, और टिकटॉक ऐप छोड़ा सिर्फ अपने फादर की डेथ की वजह से, और दूसरा ये था कि उनको भी नहीं पसंद थी टिकटॉक तो, लेकिन अभी हम सब दोस्तों की वजह से वापस अमीन टिकटॉक पे आया, और मैं देख भी रही थी कल भी परसों भी काफ़ी वीडियोज़ मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने जब अकाउंट विजिट किया तो इसका अपना था, तो मैंने मुझे खुशी हुई, मैंने कहा शायद फैंस डाल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये वापस आ गया। हसनैन की अकाउंट्स की टिकटॉक बहुत अच्छी होती हैं, हीशी वाली होती है, फ़नी भी होती हैं, गुस्से वाली भी होती हैं, लोग स्टेटस पे भी रख सकते हैं, ऐसी होती हैं। हमारा ये सीन है यार, हम मतलब टाइम नहीं मिलता, हम उठते हैं रात को। अच्छा ये हीशी एडिट कैसे होता है, ये डायलॉग लाते कहाँ से हो? यार ये मतलब फेसबुक वगैरह से मिल जाते हैं, मतलब अपने ज़हन से। तो वो काफी ज्यादा चलते हैं जो कि कुछ याद है फर्स्ट डायलॉग कौन सा टिकटॉक को वायरल गया था? यार फर्स्ट तो पहले तो अमीन के साथ ही वीडियो बना था, वो ही वायरल होती थी। कौन सा सॉन्ग था? केड़ो है सॉन्ग। यार सॉन्ग नहीं, मत अमीन के साथ हर वीडियो वायरल ही होती थी स्टार्टिंग में। तो जाहिर सी बात है वो एक कैमरा स्टार है, सब जानते हैं, तो वायरल ही जाएगी। अब मेरा सीन था नहीं कि टिकटॉक पे आऊं, लेकिन जैसे वीडियो रखी इसके साथ तो मतलब अभी शुक्र अदा करो ना आगे, अभी क्यों बोल रहे हो था नहीं था? नहीं नहीं था सीन, बस जैसे वीडियो वायरल हुई तो इसको हो जाए। अच्छा तुम्हारी वजह से आया। अच्छा बिजनेस का शौक है, क्या बिजनेस करोगे? देखते हैं, अभी तो सोचा नहीं, लेकिन मस्त माहौल बंदा भी सोचा ही नहीं और बाहर जाने की तैयारी है यार, बताया नहीं जाता पहले तो इस वजह से। मैंने तुमसे तनख्वाह तो नहीं पूछी, बिजनेस पूछा है। नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। ये नजर स्टार्ट होने से ही पहले ही बंद हो जाएगा। अच्छा अमीन का क्या बिजनेस है? मेरा बहुत बिजनेस मतलब अलग अलग जगह है, मतलब कंस्ट्रक्शन का भी काम है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी है, तो बस यही काफी काम। चलो अल्लाह पाक कामयाब करे। क्या मैसेज दोगे हसनैन अपने फैंस को? यार बस इसको ही फॉलो करो। तुम क्या यार इसको फॉलो करो, इसको फॉलो यार, ऐसे मैसेज नहीं ना कि ढंग का मैसेज दो दुनिया। ये तो एक दूसरे को सपोर्ट। चलो ये तो मतलब एक फन हो गया, व्यूअर्स देख रहे हैं, एक रियल में मैसेज दो। यही बोलना चाहूंगा कि फैंस जितने भी हैं मेरे, मैं उनका शुक्रिया करूंगा, मतलब 2 साल बंदा एक गायब हो रहा है, उसके बाद वो वापसी आ रहा है, वही अहमियत वही इज्जत मिल रही है, तो बस सबको थैंक यू बोलूंगा। अच्छा डाई हार्ड फैन को याद है, जो डाई हार्ड मिला हो तुम्हें याद हो कि भाई ये मेरा बंदा डाई हार्ड फैन था, लड़का हो या लड़की हो? यार मैं कराची हाइपरस्टार में था, मतलब 2 छोटे बच्चे थे, मतलब वो मुझे बुला रहे थे लेकिन मैंने नहीं सुना, मैं चला गया था, वो लास्ट तक मतलब मेरे पीछे आए थे, फिर मतलब उन्होंने पिक्चर्स वगैरह निकाली, वो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा अच्छा था। हसनैन यार एक ही था, मतलब अपने ही कोई जात का था, तो वो मिला था तो उसने यही बोला था कि यार हमें तुम्हें देख के टिकटॉक पे आए। अच्छा उस टाइम ये चीज मुझे अच्छी लगी थी, तो वो खुशी होती हाँ, है अपनों को, अपनों को। तो अभी कोई और ऐप पे आने का है? स्नैक्स हो गए और बहुत सारे ऐप्स हैं। अच्छा इंस्टाग्राम पसंद है टिकटॉक पसंद है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम टिकटॉक यार दोनों नहीं, बस दोनों ही सही हैं। दोनों ज्यादा कौन सा यूज करते हो? यार बता रहा हूँ टाइम नहीं मिलता तो दोनों नहीं, बस टाइम मिलता है तो बस यूज कर लेते हो। फेसबुक का दौर है नहीं है, ये सवाल का जवाब दो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो काफी लोग क्यों कहते हैं हम फेसबुक को हमारी आईडी है? पता है नहीं। आप लोगों की है? आईडी तो है लेकिन यूज नहीं करते यूज मेरी तरह। बस ऑन किया नोटिफिकेशन फिर बंद। अच्छा पहले होता था ना फेसबुक पे रियल चीज होती थी, अब वो नहीं है, अब वो क्या कहते हैं लड़के लड़का होगा लड़की की तस्वीर लगाई भी होगी। हां तो फेक आईडीज वगैरह फेक बहुत हैं। कभी ऐसा धोखा लगा धक्का लगी है? रिप्लाई नहीं करते किसी को। अब बस कर दो, अभी कैमरे के सामने नहीं करो। नहीं, इसका मैं कह सकता हूं। नहीं करते रिप्लाई, पक्की बात पक्की। है पक्की। तो
तुम्हें धक्के लगी है या तुम लोगों ने किसी को धक्के दी? में, मतलब लव में चोट खाई है वो अलग बात है। अच्छा मोहब्बत में चोट खाई है, ये तो सब ने खाई होगी। हमने ज्यादा खाई। आपने ज्यादा खाई? वो कह रहा मैंने खाई है, आपने इसको देख के बोला मैंने ज्यादा खाई है। नहीं ये इसको भी पता है मैंने ज्यादा खाई है। तो चले मैं आपके गम में दोनों की पूरी पूरी शरीक हूँ। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर हैप्पी एंड यू? यार खुश तो है लेकिन क्या मतलब मजा नहीं है। मजा नहीं है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है ये कह सकते हैं। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद थे अमीन बलोच और असन थे वो। अमीन ने यही मैसेज दिया कि उसके जो फैंस हैं जिस तरह उससे प्यार करते हैं ऐसे ही प्यार करते रहो, और दो साल बाद बिल्कुल स्क्रीन से गायब था, वापस टिकटॉक पे आया, वैसे ही प्यार मिल रहा है और बहुत हैप्पी है। तो भाई सब जाएं और इसी तरह प्यार दिखाएं। हसनैन थे वो की भी आईडी, हसनैन को भी फॉलो करें और ही शी इसका बड़ा आप देखें, बड़ा खुश होंगे आप लोग कि शी से डम्मी नहीं मानेगी। अलग ट्रेंड है, अलग ट्रेंड है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। क्या मैसेज दोगे? हमें फॉलो करो बस, बस बस फॉलो करो, तड़ी दे के फॉलो करा रहे हो क्या? कोई मैसेज दो फैंस को, देखने वाले को, व्यूवर्स को। ऐसे ही फॉलो। शो पे आके कैसा लगा, तारा से मिलके कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अरे हंस रहे, मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं, आदत है, हंसना आदत है मतलब। अच्छा कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा। और दिल में रो रहा होगा पता नहीं क्यों रो रहे हो? मजा आया भाई, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगती नहीं है ना। नहीं नहीं क्या मैं मांगती ही नहीं हूँ। तो गाइस भी नहीं करते। ओहो अच्छा भाई, गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। अमीन बलोच जिसका फेवरेट है सब कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर ये इस तक पहुँच जाएगा मैसेज। तो अल्लाह हाफिज़, नए शो का इंतज़ार।